बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम संगतकार कविता पढ़ेंगे। इस कविता में हम निम्नलिखित चीजें सीखेंगे। संगतकार कविता का अर्थ, कविता के शब्दार्थ, कविता के प्रश्न उत्तर, कविता में आई व्याकरण। बच्चों, यह कविता कवि मंगलेश डबराल जी द्वारा रचित है। उन्होंने संगतकार कविता में गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को बतलाया है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो ये सही ही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी मानवता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। आइए बच्चों, अब मंगलेश डबराल के जीवन के विषय में विस्तार में पढ़ी। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वह भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी हैं। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। कवि कहते हैं कि हमने अक्सर देखा है जब भी कहीं संगीत का आयोजन होता है तो मुख्य गायक के साथ संगत करने वाले अक्सर देखे जाते हैं। ज्यादातर लोग संगतकार पर ध्यान नहीं देते हैं जो संगीतकार के साथ ताल से ताल मिलाकर रखता है और वह पृष्ठभूमि का हिस्सा मात्र बनकर रह जाता है। वह हमारे लिए एक गुमनाम चेहरा हो सकता है। हम उसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगा सकते हैं लेकिन मुख्य गायक की प्रसिद्धि के आलोक में हम में से बहुत कम ही लोग उस अनजाने संगतकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार कर पाते हैं।
कवि कहते हैं कि वास्तव में वो कौन है, गायक का छोटा भाई, उसका शिष्य या कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर को साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। आगे कवि कहते हैं कि सदियों से यह परंपरा रही है कि मुख्य गायक के सुर में संगतकार अपना सुर मिलाता आया है। मुख्य गायक की भारी आवाज के पीछे संगतकार की आवाज दब सी जाती है, अर्थात कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता, सब गायक को ही शाबाशी देते रहते हैं, लेकिन संगतकार हर क्षण अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाता है। जब गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो जाता है और सुर से कहीं भटक जाता है, तो ऐसे समय में संगतकार स्थिति को संभाले रहता है। उसकी भूमिका इसी तरह की होती है जैसे कि वह आगे चलने वाले पथिक का छूटा हुआ सामान बटोरकर अपने साथ लाता है। साथ ही वह मुख्य गायक को उसके बीते दिनों की भी याद दिलाता है जब मुख्य गायक नौसिखिया हुआ करता था। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो कि उसका बचपन जब वे नौ सीखिया था। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब किसी गायन सभा में मुख्य गायक थक जाता है और उसकी आवाज धीमी हो जाती है, उसके आगे गाने की इच्छा मर चुकी होती है, तो पीछे से संगतकार उसका हौसला बढ़ाता हुआ सुर लगाता है। उसकी आवाज का पीछे से आना मुख्य गायक में ऊर्जा का संचार कर देता है और मुख्य गायक पुनः उसी ऊर्जा से गाना गाने लग जाता है। कभी कभी तो संगतकार सिर्फ इसलिए जाता है कि मुख्य गायक स्वयं को अकेला ना समझे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को डांडस बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक सहायक के त्याग को दिखाया है कि कैसे एक सहायक खुद की तरक्की, मान सम्मान, सुख समृद्धि की परवाह किए बिना मुख्य गायक का साथ गाता है। वह इस बात को भी मन ही मन सोच रहा होता है कि वह कहीं मुख्य गायक से अच्छा राग ना लगा दे, इसलिए उसकी आवाज में एक संकोच एवं झिझक साफ सुनाई दे रही होती है। वह हमेशा
अपनी आवाज को मुख्य गायक से कम रखना चाहता है। इसको उसकी विफलता या उसे उस क्षेत्र में कम ज्ञानी नहीं आंकना चाहिए, बल्कि यह उसका बड़प्पन एवं मानवता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। आइए बच्चों, इस कविता के शब्द अर्थ करें। संगतकार, इसका अर्थ है मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार संयोगी। गरज, इसका अर्थ है ऊंची गंभीर आवाज। अंतरा, इसका अर्थ है स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जटिल, इस शब्द का अर्थ है कठिन। तान, इसका अर्थ है संगीत में स्वर का विस्तार। नौसिखिया, इसका अर्थ है जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसका अर्थ है बुझता हुआ स्वर। डांडस बंधाना, इस शब्द का अर्थ है तसल्ली देना, सांत्वना देना। आइए बच्चों, इस कविता के प्रश्न उत्तर करें। प्रश्न एक, कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम बताइए। प्रश्न दो, संगतकार का स्वर कैसा है। प्रश्न तीन, संगतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है। प्रश्न चार, संगतकार के स्वर में हिचक क्यों है। प्रश्न पांच, मुख्य गायक का गला किस कारण बैठ जाता है। बच्चों, यह रहे उत्तर। उत्तर एक, कविता का नाम संगतकार है एवं कवि का नाम मंगलेश डबराल जी है। उत्तर दो, संगतकार का स्वर कमजोर, सुंदर एवं कपनशील है। उत्तर तीन, संगतकार मुख्य गायक को बचपन की याद दिलाता है। उत्तर चार, क्योंकि वह मुख्य गायक का मन रखने के लिए ऐसा करता है। उत्तर पांच, मुख्य गायक का गला ऊंचे स्वर के कारण बैठ जाता है। आइए बच्चों, इस पाठ से जुड़े व्याकरण के कुछ प्रश्न करेंगे। प्रश्न एक, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। प्रश्न दो, संगतकार की भाषा कौन सी है। बच्चों, ये रहे प्रश्नों के उत्तर। उत्तर एक, रूपक अलंकार। उत्तर दो, कविता की भाषा खड़ी बोली है। बच्चों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना।